Today in this video, I am going to explain you the concept of the underwriting of the shares. Under that, we are going to learn what is marked application, unmarked application and form underwriting. And there are two concepts, when the benefit of form underwriting is given and the benefit of form underwriting is not given. And after that, we are going to solve one practical problem, which is available in the C inter study material. कंपनी जब इनिशियल पब्लिक ऑफर इश्यू करती है तो उनको एक डर रहता है कहीं शेयर अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, क्योंकि अगर शेयर अंडर सब्सक्राइब होगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा एज पर द लॉ. और कितना सब्सक्राइब होना चाहिए, कम से कम 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट. तो इस रिस्क को कम करने के लिए पिक्चर में अंडरराइटर आते हैं. अंडरराइटर गारंटी देते हैं, अगर कोई नहीं खरीदा तो हम खरीदेंगे, उसके बदले उनको कमीशन देना पड़ता है. अंडरराइटर का सर्विस आज के डेट में बहुत सारे लोग करते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करते हैं, बैंक करते हैं, ब्रोकर करते हैं, मर्चेंट बैंकर करते हैं. रेट ऑफ द कमीशन पेबल टू अंडरराइटर इन केस ऑफ शेयर्स 5% ऑफ द इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस का निकालना है स्टूडेंट, फेस वैल्यू का नहीं निकालना है. 5% ऑफ द इश्यू प्राइस और द रेट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर. एंड इन केस ऑफ डिबेंचर 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस और द रेट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर. मतलब सीधा सीधा बोलो, शेयर्स पे मैक्स टू मैक्स 5% ऑफ द इश्यू प्राइस दे सकते हैं कमीशन अंडरराइटर को, एंड डिबेंचर पे मैक्स टू मैक्स 2.5% दे सकते हैं. पहले आपको टर्म समझा दूं, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन और फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके, द एप्लीकेशन फॉर्म बियरिंग द स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर इज कॉल्ड मार्क एप्लीकेशन. द बेनिफिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू द कंसर्न अंडरराइटर. एग्जाम्पल, मार्क एप्लीकेशन ए इज गिवन टू ए ओनली. देखो क्या होता है, जब शुरू शुरू में एप्लीकेशन देते हैं पब्लिक को शेयर्स के लिए, तो कुछ एप्लीकेशन के ऊपर रबर स्टैम्प ऐड किया होगा उस अंडरराइटर का, तो उसका बेनिफिट उस अंडरराइटर को देंगे. एग्जाम्पल, जैसे अभी पब्लिक वोट देती है बीजेपी को, तो उसका वोट बीजेपी में काउंट किया जाएगा. अगर पब्लिक वोट देती कांग्रेस को, तो उसका वोट कांग्रेस में गिना जाएगा. वैसे अगर एप्लीकेशन पे ए का रबर स्टैम्प है, तो उसका काउंटिंग ए में किया जाएगा. ऐसी अगर एप्लीकेशन पे बी का रबर स्टैम्प है, तो उसका काउंटिंग बी में किया जाएगा. अगर उस एप्लीकेशन पे सी का रबर स्टैम्प है, तो उसका काउंटिंग सी में किया जाएगा. अज्यूमिंग समझा, मार्क एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, वो एप्लीकेशन जिसपे रबर स्टैम्प होता है अंडरराइटर का, उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन. कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके ऊपर किसी का रबर स्टैम्प नहीं होता, उसको बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन. तो उसको कैसा बांट के लेते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में पढ़ते हैं. अनमार्क एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन फॉर्म नॉट बियर द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर इज कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन. द बेनिफिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. सर इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है स्टूडेंट, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो बांट के लेंगे. ग्रॉस लायबिलिटी किसको बोलते हैं, शुरू शुरू में जब अंडरराइटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कंपनी से, तो एक रेशियो डिसाइड किया रहेगा, उस रेशियो में बांट के लेंगे वो लोग. तो कुछ एप्लीकेशन पे किसी का स्टैम्प नहीं था, तो उसको अंडरराइटर लोग बांट के लेंगे आपस में. तो मार्क समझ में आया, जिसके ऊपर स्टैंप होता है उसको मार्क बोलते हैं, जिसके ऊपर रबर स्टैंप नहीं होता उसको अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं. और तीसरा है बच्चों फॉर्म अंडरराइटिंग. फॉर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, कभी कभी कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, तो कुछ अंडरराइटर भी इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए. तो अंडरराइटर क्या बोलते हैं, कुछ शेयर हमको चाहिए, पर्सनल चाहिए हमको. तो यहाँ पर अंडरराइटर खुद इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में. ओके, फॉर्म अंडरराइटिंग इज ए डेफिनेट कमिटमेंट बाय अंडरराइटर टू टेक अप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्राइब बाय पब्लिक. मतलब पब्लिक कितना भी खरीद, हमको इतना शेयर चाहिए खुद के लिए, उसको बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग. ओके, फिर इसमें क्या बात है ध्यान देने का, फॉर्म अंडरराइटिंग में हेयर द अंडरराइटर इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दोज शेयर्स. देख रहे हो, वो लोग खुद इंटरेस्टेड है उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में. अंडरराइटर टेक एक्स्ट्रा शेयर्स अपार्ट फ्रॉम द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट विल इंक्रीज द नेट लायबिलिटी. कॉमन है, नॉर्मल से ज्यादा उन लोगों को खुद के लिए भी चाहिए, तो उसका भी तो पैसा उन्हीं से लेना पड़ेगा. तो नॉर्मल शेयर तो खरीदेंगे, प्लस कुछ उन लोगों को एक्स्ट्रा शेयर चाहिए, तो इससे उनका नेट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा.
ओके। लेकिन स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर्म अंडरराइटिंग में, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने वाला है, फॉर्म अंडरराइटिंग में दो मेथड है, मेथड वन मेथड टू। मेथड वन क्या बोलता है, द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन, मैंने हाईलाइट किया गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। फिर ऐसे केस में क्या सॉल्व करने का, नॉट ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन, डिवाइड द फॉर्म अंडरराइटिंग इन एक्चुअल रेशियो। अंडरराइटर ए ने फॉर्म अंडरराइटिंग डिमांड किया 5000 शेयर्स का, बी ने डिमांड किया 5000 शेयर्स का, सी ने डिमांड किया 10000 शेयर्स का, तो जो जितना मांगेगा उसको उतना अलॉट कर दिया जाएगा, समझा। तो बेनिफिट इज गिवन का मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में, अगर बच्चों एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, तो जो जितना मांगेगा उसको उतना दे देने का, ओके। मेथड नंबर टू, द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, ऐसा केस में उसको अनमार्क एप्लीकेशन ट्रीट करने का, और आप जैसा मांग रहे हो आपको नहीं मिलेगा, जितना आप शेयर्स आप डिमांड कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा, फिर ऐसा केस में आपका जो फॉर्म अंडरराइटिंग है उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट के लेने का, ओके। Company issued 1,50,000 shares of 10 each at a premium of 10. That means face value of the share is 10 and company has issued shares at a premium. So what is the total collection per share? 20. The entire issue was underwritten as follows. X has promised for 90,000 shares, in the bracket they are given form underwriting. Means that the 12,000 share specifically interested by X. X has promised for 90,000 share including form underwriting, means X is interested in that company for 12,000 shares. Y has promised for 37,500 share including form underwriting, 4,500 shares. And Z has promised for 22,500 share including form underwriting, 15,000. Form underwriting matlab अंडरराइटर इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी का शेयर्स खरीदने में। नेक्स्ट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग एंड मार्क, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म एंड मार्क कितना मिला है, 22,500। दैट मींस दिस इज अनमार्क एप्लीकेशन, बिकॉज इट इज मेंशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म एंड मार्क, इफ यू एक्सक्लूड फॉर्म एंड मार्क द बैलेंस इज द अनमार्क एप्लीकेशन। The mark application excluding form underwriting, X of 15,000, Y 30,000, Z 7,500. Commission payable to underwriter is 5% the issue price. What is the issue price? 20 per share. The underwriter contract provides that the credit of unmarked application is given to underwriter in proportion to share underwriter. Matlab, it means we are going to give credit of form underwriting to individual underwriter. The benefit of form underwriting is given to individual underwriter. You are required to find out three important points. You are required to calculate three important points. Determine the liability of each underwriter in shares. Second, compute the amount of payable or due from underwriter. Matlab underwriter se net paisa lena hai ki net paisa dena hai. And third, journal entry in the book of company related to underwriting of the shares. तो स्टूडेंट ध्यान देना, आपको टेक्निक बता देता हूं। टेक्निक क्या है ये बताओ, शेयर्स कितना इश्यू किया था, 1,50,000 शेयर्स था, 1,50,000 शेयर्स है बरोबर, 1,50,000 शेयर्स इश्यू किया, ठीक है। कैसा आया, एक्स वाई जेड तीनों प्लस करो, 1,50,000 इस 1,50,000 जो शेयर्स था उसके अंदर सब्सक्राइब्ड प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग और बैलेंस इज अनसब्सक्राइब्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सब्सक्राइब प्लस फॉर्म एंड अनसब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब्ड और फॉर्म, क्वेश्चन में देखो फॉर्म अंडरराइटिंग कितना दिया, फॉर्म अंडरराइटिंग क्वेश्चन में पढ़ो,
फॉर्म अंडरराइटिंग 12,000 प्लस 4,500 प्लस 15,000 प्लस करो तीनों को तो फॉर्म अंडरराइटिंग आएगा 31,500 बरोबर, समझा कैसे आया। प्लस करो 12,000 प्लस 4,500 प्लस 15,000 31,500। नेक्स्ट इसके नीचे लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, एकदम नीचे आओ। मार्क एप्लीकेशन 15,000 प्लस 30,000 प्लस 7,500 तीनों को प्लस करो तो मार्क एप्लीकेशन मिलेगा। ये जो सब्सक्राइब है ना इसमें मार्क एप्लीकेशन होते हैं, मार्क एमके मतलब मार्क, ये अनमार्क एप्लीकेशन। व्हाट द मार्क एप्लीकेशन गिवन इन द प्रॉब्लम 15,000 प्लस 30,000 प्लस 7,500 मार्क एप्लीकेशन इज 52,500 क्लियर। अनमार्क एप्लीकेशन इज ऑल्सो गिवन द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग एंड मार्क द बैलेंस इज अनमार्क, कितना दिया 22,500 इज द अनमार्क एप्लीकेशन मिला। ये दोनों को प्लस करोगे ना तो सब्सक्राइब मिलेगा जो पब्लिक ने खरीदा, सब्सक्राइब 52,500 प्लस 22,500 75,000 इज द सब्सक्राइब क्लियर। सब्सक्राइब कैसे मिला समझा, दोनों को प्लस करेंगे तो सब्सक्राइब मिला। एक्सेस एक्स वाई और जेड, एक्सेस प्रॉमिस फॉर 90,000 शेयर्स, वाई एस प्रॉमिस फॉर 37,500 शेयर्स एंड जेड एस प्रॉमिस फॉर 22,500 शेयर्स क्लियर। इसका रेशियो निकालने का, रेशियो ये दो जीरो कट पाई के टेबल में कट करो 180 75 45, फिर से पाई के टेबल में कम करो इसको 36 15 9। अब कौन से टेबल में कट करें, थ्री का टेबल में कट करो 3 1 3 3 2 6 3 5 15 3 3 9 तो व्हाट इज द रेशियो 12:5:3 ठीक है ना, 12:5:3 इज द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो कैसा करना ध्यान देना, कॉलम क्या बनाओगे कंपटीशन टोटल लायबिलिटी ऑन राइटर इन शेयर से पूरे शेयर्स में होगा पर्टिकुलर्स बेसिस एक्स वाई जेड एंड टोटल कॉलम ओके। सर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहला किसको बांटना है, पहला अपन मार्क एप्लीकेशन बांटेंगे फिर अनमार्क एप्लीकेशन बांटना फिर फॉर्म अंडरराइटिंग और ऑटोमेटिकली ये आंसर आएगा ओके। मार्क अनमार्क फॉर्म एंड फॉर्म अंडरराइटिंग में जिसने जितना शेयर मांगा उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्या लिखना है क्रॉस लायबिलिटी, क्या लिखना है क्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितना था हमारा, ग्रॉस लायबिलिटी 1,50,000, ग्रॉस लायबिलिटी 1,50,000 टोटल। उसके अंदर एक्स ने कितना प्रॉमिस किया 90,000 शेयर्स खरीदेगा एक्स, वाई 37,500, जेड 22,500 क्लियर। ये ग्रॉस लायबिलिटी को रेशियो में लेके आना, पहला 5 का टेबल में कम करो फिर से 5 का टेबल में फिर 3 का टेबल में तो 12:5:3 12:5:3 इज द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। पहला किसको बांटने का, मार्क एप्लीकेशन को, तो लेस मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन बांटेंगे तो मार्क एप्लीकेशन वो तो क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स जो दिया है वही बांटेंगे। तो मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में जो कितना दिया है 15,000 30,000 7,500 15,000 30,000 मिला एंड 7,500 क्लियर। क्या ब्रैकेट रिप्रेजेंट माइनस 15,000 30,000 7,500 टोटल 52,500 माइनस करेंगे, अंडरलाइन मार देना माइनस करते हैं सो 90,000 माइनस 15,000 आंसर 75,000, 37,500 माइनस 30,000 आंसर 7,500, 22,500 माइनस 7,500 15,000 टोटल 1,50,000 माइनस 52,500 आंसर 97,500
तो ग्रॉस लायबिलिटी पहले हमने मार्क को बांट लिया, नेक्स्ट इसको बांटेंगे अनमार्क एप्लीकेशन, इन विच रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 12:5:3 हो, कैसे है समझा, पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया, फिर से 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, तो रेशियो आएगा 12:5:3 लेस अनमार्क एप्लीकेशन we are going to share in which ratio gross liability ratio 12:5:3 what is the unmarked application total amount 22,500 so 22,500 into 12 divided by 20 answer 13,500 22,500 into 5 by 20 answer 5,625 22,500 into 3 by 20 3,375 माइनस करना ये स्टेज पे, ये माइनस हो रहा है इसीलिए ब्रैकेट दिखा देना, माइनस करते 75,000 माइनस 13,500 61,500 7,500 माइनस 5,625 1,875 15,000 माइनस 3,375 11,625 97,500 माइनस 22,500 75,000 ये हो गया, ये भी हो गया। अब किसको बांटेंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग को, फॉर्म अंडरराइटिंग इस क्वेश्चन में बोले थे कि फॉर्म अंडरराइटिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया था, द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, मीन्स जो अंडरराइटर जितना डिमांड कर रहे हैं उनको उतना शेयर्स दिया जाएगा, तो फॉर्म अंडरराइटिंग नेक्स्ट लेस फॉर्म अंडरराइटिंग को बांटेंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग कैसे बांटेंगे, एक्चुअल रेशियो में जितना उन्होंने एक्चुअल मांगा है, फॉर्म अंडरराइटिंग एक्चुअल कितना था क्वेश्चन में देखो 12,000 एक्स का 12,000 मिला, वाई का 4,500 और जेड का 15,000 टोटल कर लेना, टोटल आएगा 31,500 से माइनस करना है इसीलिए ब्रैकेट दिखा देना, ये स्टेज पे फिर से माइनस करेंगे 61,500 माइनस 12,000 49,500 1,875 माइनस 4,500 माइनस में आ रहा है 2,625 ब्रैकेट दिखा देना 11,625 माइनस 15,000 माइनस में आ रहा है 3,375 75,000 माइनस 31,500 43,500 मार्क को बांट लिए, अनमार्क को बांट लिए, फॉर्म को बांट लिए, अब जिसका भी आंसर माइनस में रहेगा वो अपना सरप्लस दूसरा अंडरराइटर को ट्रांसफर करेगा, द सरप्लस ऑफ वाई एंड जेड गिवन टू एक्स, जिसका आंसर माइनस में है उस अंडरराइटर का लायबिलिटी खत्म हो गया तो अपना सरप्लस दूसरा अंडरराइटर को देगा, तो लेस सरप्लस ऑफ किसका वाई एंड जेड गिवन टू एक्स, दोनों प्लस कर लो 2,625 प्लस 3,375 6,000 ना, तो जो आपने सरप्लस देगा वहां प्लस कर देना 2,625 3,375 तो इसमें माइनस होगा 6,000 उतना से उसका लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर 49,500 माइनस 6,000 आंसर 43,500 देखो मैच होगा, इससे मैच होगा अनसब्सक्राइब से, इनका लायबिलिटी नील इनका लायबिलिटी नील 43,500 एज्यूम करता हूं समझा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी इसको बोलेंगे नेट लायबिलिटी, इसमें ऐड करना फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग कितना फॉर्म अंडरराइटिंग था ये वाला जो लेस किए थे ऐड करना, क्योंकि इसका पैसा तो अंडरराइटर ही देंगे, ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग आपने लेस किया था वापस ऐड करना क्योंकि इसका पैसा तो अंडरराइटर ही देंगे ना, 12,000 4,500 15,000 टोटल 31,500 व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, टोटल लायबिलिटी
टोटल एबिलिटी ऑफ अंडरराइटर 43,500 प्लस 12,000 55,500 शेयर्स का पैसा किससे लेना है, एक्स से लेना है। वाई से कितना शेयर्स का पैसा लेना है 4,500 और जेड से 15,000 प्लस कर लो 55,500 प्लस 4,500 प्लस 15,000 टोटल 75,000। तो ये एज्यूम करना ये वाला पार्ट समझ में आया। अभी सेकेंड पॉइंट करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू और रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर। एक्स वाई जेड लाइबिलिटी, एक्स ने कितना शेयर्स लिया है, ये जब ये जिधर खत्म होता है ना चालू होता है, तो इसी का आंसर यहाँ नीचे लिखना है आपको। सुने तो एक्स कितना शेयर्स का वादा किया 55,500 शेयर्स, वाई ने 4,500 शेयर्स और जेड ने 15,000 शेयर्स। अगर इतना शेयर अंडरराइटर में फ्रॉम इतना शेयर का पैसा अंडरराइटर देंगे तो अमाउंट रिसीवेबल एट द रेट, एक शेयर कितना रुपीस का था, एक शेयर 10 रुपीस का था लेकिन वी हैव इश्यूड शेयर्स एट ए प्रीमियम, तो एक शेयर के पीछे 20 पर शेयर हम डिमांड करेंगे अंडरराइटर से। तो 55,500 इंटू 20 11,10,000 एक्स से लेना है, 4,500 इंटू 20 90,000 वाई से लेना है, 15,000 इंटू 20 3 लाख जेड से लेना है। इतना पैसा कंपनी अंडरराइटर से लेगा लेस अंडरराइटर को कमीशन भी तो देना है 5% ऑफ द इश्यू प्राइस, तो लेस कमीशन पेएबल। कमीशन कैसे निकालना है, जितना भी ग्रॉस शेयर रहेगा ग्रॉस शेयर्स इंटू 20 पर शेयर इंटू 5%, सुने ग्रॉस शेयर इसको बोलते हैं ग्रॉस शेयर, ओके। तो 90,000 इंटू 20 कितना है 18 लाख, 18 लाख जो डेली दिखाया ना उसके ऊपर कमीशन मिलता है, कितना परसेंट 5%, आंसर 90,000 माइनस करेंगे। सेम इसका वाई का, वाई ने कितना डेयरिंग दिखाया था 37,500 इंटू 20 इंटू 5%, आंसर 37,500 कमीशन देना है वाई को। नेक्स्ट जेड को कितना कमीशन देगा कंपनी 15,000, जेड ने कितना डेयरिंग दिखाया था 22,500 इंटू 20 इंटू 5%, आंसर 22,500 कंपनी कमीशन देगा जेड को। तो कंपनी क्या करती है, ऐसा नहीं करती है एक बार कॉल करेंगे एक बार कमीशन देंगे, कंपनी ऐसा नहीं करेगी, पहला कॉल करेगी बाद में उसमें से कमीशन देंगे। कंपनी विल डू द नेट ट्रांजेक्शन, विल गोइंग टू डू द नेट ट्रांजेक्शन। नेट मीन्स इतना पैसा रिसीवेबल है इतना पेबल है, तो नेट रिसीवेबल फ्रॉम 11,10,000 माइनस 90,000 10,20,000 is the net amount receivable from X. Similarly, what is the net amount receivable from Y? 90,000 minus 37,500. 52,500 is the net amount receivable. Since the answer is positive, net amount receivable. Similarly, is coming 3 lakhs minus 22,500. What is the net amount receivable? 2,77,500. Now we are going to pass journal entry. पहला हमने ये बनाया, इसके बेस पे ये बनाने का, पहला हमने अंडरराइटर का लायबिलिटी फाइंड आउट किया, बाद में नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, थर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी
relating to underwriter. Relating to underwriter. सुनो टेक्निक बता रहा इसका इसका एक एंट्री मारेंगे इसका एक एंट्री मारेंगे कमीशन का और नेट का एंट्री आएगा ओके तीन एंट्री किया जाएगा पहले इसका एंट्री मारेंगे फिर कमीशन का फिर नेट अमाउंट का ओके ये तीन का एंट्री मारेंगे तो कंपनी ने शेयर इश्यू किया एक्स वाई जेड को तो कितना पैसा एक्स वाई जेड से लेना है फर्स्ट एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट जेड अकाउंट डेबिट शेयर इश्यू कर रहे हैं हम लोग शेयर इश्यू करते हैं नॉर्मली शेयर इश्यू करते हैं तो कैश आता है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर लेकिन यहाँ कैश अपन लास्ट में लेंगे देंगे हमने वो शेयर किसको इश्यू किया है एक्स वाई जेड को तो उनका नाम लिख देगा एक्स वाई जेड शेयर अगर कैश में इश्यू करता है एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लेकिन कंपनी ने शेयर अलॉट किया एक्स वाई जेड से अपन वो पैसा लास्ट में नेट लेंगे उनसे अभी पैसा नहीं देंगे वो लोग शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे इसीलिए उनका नाम लिखते हैं एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बिकॉज वी आर इश्यू शेयर एट ए प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स कितना पैसा देने का है 11,10,000 वाई कितना पैसा देना है 90,000 जेड कितना पैसा देना है 3,00,000 ओके अब शेयर्स का जो पता लगाएंगे ये सब शेयर्स प्लस कर लो 55,500 यहाँ प्लस किया ना 55,000 प्लस 4,500 प्लस 15,000 75,000 तो 75,000 इंटू एक बार 10 से इंटू करना क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा अपन फेस वैल्यू लिखते हैं फेस वैल्यू 10 रुपीज है और प्रीमियम अलग लिखते हैं तो 75,000 इंटू 10 इज द प्रीमियम आंसर 7,50,000 क्लियर नरेशन लिख देना बींग शेयर्स अलॉटेड टू अंडरराइटर सेकेंड एंट्री बी इसका एंट्री पास करेंगे कंपनी कमीशन देगा ना अंडरराइटर को लेकिन दिया नहीं है ड्यू एंट्री पास करेंगे तो कमीशन इज द लॉस ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी पे कमीशन टू अंडरराइटर इट इज द लॉस टू द कंपनी सो डेबिट ऑफ द एक्सपेंस एंड लॉस तो अंडरराइटर कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसो किसो कमीशन देना है एक्स को 90,000 देना है एक्स को 90,000 वाई को कितना कमीशन देना है 37,500 और कंपनी जेड को कितना पैसा देगा कमीशन 22,500 व्हाट इज द टोटल कमीशन पेएबल नॉट पेड पेएबल 90,000 प्लस 37,500 प्लस 22,500 1,50,000 कमीशन कंपनी देगा अंडरराइटर को नरेशन लिख देना बीइंग कमीशन पेबल टू अंडरराइटर लास्ट एंट्री व्हाट इज द नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल इससे भी रिसीवेबल है इससे भी रिसीवेबल है नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड कैश लेंगे हम रियल में तो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एक्स से कितना पैसा लेना है 10,20,000 वाई से कितना पैसा लेगा कंपनी 52,500 और जेड से कितना पैसा लेगा कंपनी 2,77,500 व्हाट इज द टोटल अमाउंट व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अंडरराइटर 10,20,000 प्लस 52,500 प्लस 2,77,500 13,50,000 इज द नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय कंपनी फ्रॉम द अंडरराइटर एज्यूम करता हूं समझ में आया अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर्स एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं ग्रॉस लायबिलिटी लिखो पहला उसमें से मार्क लेस करो फिर अनमार्क फिर फॉर्म बाद में वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो जिसका नेगेटिव रहेगा वो अपना सरप्लस दूसरे को पास कर देगा फिर अपन यहां तक पहुंचे सेकंड क्या सर्च किए हैं अमाउंट पेबल टू और रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर ये जो आंसर है खत्म होता है यही आंसर नीचे लिखने का इतना शेयर्स का पैसा एक्स Y और Z देगा एक शेयर कितना रुपीस का है 20 रुपीस का तो इससे इंटू करो तो अमाउंट रिसीवेबल आएगा किसका पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर कितना लेना है लेकिन कंपनी भी तो कमीशन देना है कमीशन ध्यान देना कमीशन हमेशा ग्रॉस शेयर्स पे देना ग्रॉस शेयर्स पे तो ग्रॉस शेयर इंटू 20 इंटू 5% इज द कमीशन पेबल बाय कंपनी टू द अंडरराइटर तो व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कंपनी एक्स वाई और जेड से
बाद में इसका अकाउंटिंग करना, जर्नल एंट्री पास करना, इसका एक एंट्री पास कर देना, इसका एक एंट्री और इसका एक एंट्री। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और फ्रेंड लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे वीडियो का बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। बाय बाय।